gone. He looked a dead duck. So with Patel. Absolutely magnificent. Tony finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. दौलतबाग के सामने गुलाब बाग स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर पर परंपरागत शीतला मेले का आयोजन शुक्रवार को शुरू हुआ। मंदिर के सेवाधार इंद्रचंद प्रजापति ने बताया कि 13 मार्च को शील सप्तमी के अवसर पर मेला भरा है, वहीं 14 मार्च को बोधरी माता का मेला भरेगा। मान्यता है कि शीतला माता के थान पर जल चढ़ाने से बोधरी माता का प्रकोप कम हो जाता है, वहीं शीतला माता के ठंडे पकवानों का भोग लगाकर घर परिवार में सुख शांति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है, जिसे माँ शीतला कबूल करती है। आज शीतला माता का सप्तमी का त्यौहार है और अजमेर से हर आदमी यहाँ आ रहा है। फिर भी रहेगी रात 10 बजे तक और ये यहाँ कोई हिंदू मुसलमान सब आते हैं। ये नहीं है कि भाई अपने हिंदू का है, सबका है ये। इस वक्त शुक्रवार को शुरू हुए मेले में लाखों लोगों ने माता शीतला को ठंडा भोग लगाकर पूजा अर्चना की और परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना की। गुरुवार को घरों में रांदा पुआ पूड़ी पकवान और व्यंजन बनाकर रात 12 बजे बाद से मंदिरों में बांसुरी की पूजा अर्चना शुरू हो गई। यह दौर शुक्रवार को पूरे दिन चलता रहा। शादी शुदा है ना, तो इसका बहुत शुभ माना गया है। 7 दिन तक पूजा होती है इसकी, शीतला माता की। अगर कोई किसके बच्चा नहीं हुए तो फिर उसके बच्चा होने के बाद में फिर वो लौटाने आ, फिर क्या है वो अन्न का ठाट करती है शीतला माता। और अगर वो सुई धागा नहीं लेना चाहिए, 7 दिन तक कोई भी मशीन नहीं चलाना चाहिए। अगर सुई हाथ में ले तो माता के सुई चुभती है। यहाँ पूजा जल चढ़ाते हैं, फल फूल सब चढ़ाते हैं, ये संतान देने वाली है। और यहाँ पे ठंडी करते हैं कि हमारे बच्चों को ठंडा रखे माता, अच्छे से रिद्धि सिद्धि करे घर में भी हर तरीके से, बस यही है। और यहाँ पे खूब लाखों भक्तगण आते हैं, यहाँ पे कोई नारियल लाता है, कोई कुछ लाता है, अपनी अपनी मनोकामना मांगते हैं। माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है और सच्चे मन से यही बोलते हैं जय माता दी। वर्षों पुरानी है, परंपरा चली आ रही है। सर पूजा करते हैं, बांसुरी बनाते हैं और सुबह जाके पूजन करते हैं। बांसुरी से यह है शीतला माँ ठंडा ही वो प्रदर्शित करती है, खाते ही है, ठंडा ही पहनता है, ठंडा ही पहनते हैं। मेला देखने आए श्रद्धालुओं ने मेले में लगी खेल खिलौने, चाट पकौड़ी और घरेलू वस्तुओं की दुकानों पर जमकर खरीदारियां की। साथ ही महिलाओं ने मेले में लगी दुकानों से मिट्टी के खिलौने और इसर गणगौर की मूर्तियां भी खरीदी। बच्चों के चक्री, रंगीन टोपियां, गुब्बारे, पुपाड़ी की बिक्री ज्यादा हुई। वहीं 2 दिन तक चलने वाले इस मेले में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए महावीर सर्किल से बजरंगगढ़ चौराहे तक दुपहिया व चौपहिया वाहन का आवागमन बंद रखा गया है। साथ ही मेले में महिला पुरुष पुलिस को तैनात किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में बजरंगगढ़ के पास शीतला माता के मंदिर में मेला चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, सिविल ड्रेस में कांस्टेबल लगाए गए हैं। अब तक कोई जेब तराशी या कोई चेन छीनने की ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। पर्याप्त संख्या में महिला कांस्टेबल हैं, अन्य थानों से जाप्ता मंगाया है, बिल्कुल व्यवस्था दुरुस्त है। घर में सुख समृद्धि और रोगों से निजात की कामना के लिए धार्मिक नगरी पुष्कर में भी महिलाओं ने शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया। सरोवर के चीरघाट पर स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में माता की पूजा अर्चना और ठंडे व्यंजनों का भोग लगाने के लिए रात 1 बजे से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। महिलाओं ने माता शीतला को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाकर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। हम
हमने आज ना शीतला सप्तमी का दिन है जो माता जी की पुए पापड़ी कचौरी पकौड़ी राबड़ी छाछ दही से सबसे पूजा करी और माता जी से ये शुभकामना करी कि माता जी घर में सबको सुख शांति देवे, सब दुनिया को सबको सुख शांति रहे, बीमारी से दूर रखे और सबकी रक्षा करे। इससे पूर्व रात्रि में शीतला माता मंदिरों में भव्य सजावट की गई। माता शीतला के मनोरम श्रृंगार और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का देर रात से तांता लगना शुरू हुआ जो पूरे दिन जारी रहा। प्राचीन मंदिर है, वर्षों पुराना मंदिर है, ये शीतला सप्तमी कहलाती है जो पूरे नगरवासी एक दिन पहले प्रसाद बना करके और रात्रि 1 बजे से लेकर के प्रसाद का भोग लगाते हैं। वो शीतला सप्तमी का दिन प्रसाद पूरा नगर ठंडा भोजन करता है। ये माई है, जगदम्बा है, जो होलिका दहन के बाद में जब माता का रूप जो प्रकोप होता है उसको शांत करने के लिए शीतला माता ने अवतार लिया है। तो इधर होलिका दहन होते ही माता को स्नान कराया जाता है और वो 8 दिन तक स्नान रहता है जिससे माता शांत हो जाए। तो ये शीतला माई का रूप है, ये गधे पे सवारी है इसकी और पूरा हिंदुस्तान इसको मानता है और पूरे हिंदुस्तान में इसके पूजन किया जाता है।